बीते शनिवार यानी 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी। यह मैच बीते शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ पहुंची थी। उन्हीं में से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला थी। इस दौरान उन्होंने इंडिया को जमकर चीयर किया था, लेकिन मैच खत्म होते होते एक्ट्रेस के चेहरे की खुशी गम में बदल गई थी, क्योंकि उनका 24 कैरेट गोल्ड आईफोन गुम हो गया था। इसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी थी। अब 5 दिन बाद उर्वशी रावतेला ने अपने फोन को लेकर एक अपडेट शेयर किया है। उर्वशी रावतेला ने गुम हुए फोन को लेकर सोशल मीडिया पर बताया है कि उन्हें फोन चोरी करने वाले का मेल आया है। फोन को चुराने वाले शख्स ने एक्ट्रेस से एक डिमांड की है और कहा है कि पहले वो उसकी डिमांड को पूरा करे तो उसको उसका फोन मिल जाएगा। उर्वशी रावतेला को मेल ग्रो ट्रेडर्स के नाम से आया है, जिसका स्क्रीनशॉट एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर लिखा है, आपका फोन मेरे पास है, अगर आपको इसे वापस लेना है तो आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे भाई को कैंसर है और उसका इलाज करवाना होगा। इस पोस्ट पे एक्ट्रेस ने थम्स अप का साइन बनाया है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि वो उनकी मदद करने को तैयार हैं। बता दें कि उर्वशी रावतेला का ये आईफोन बेहद खास था। ये 24 कैरेट गोल्ड वाला आईफोन था। सोशल मीडिया पर वो अपने फोन के साथ सेल्फी पोस्ट करती रहती थी। वर्क फ्रेंड की बात करें तो उर्वशी रावतेला बिग बॉस OTT2 विनर अल्पेश यादव के साथ म्यूजिक वीडियो में नजर आई थी। अब एक्ट्रेस जल्द ही बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं।